सब आज हम लोग खड़े हैं जी जलंधर में 25 साल पुराने ढाबे के ऊपर। इस ढाबे का नाम है जी किंग ढाबा। और अगर आपको सच में बताऊं तो ये वैसे नाम तो किंग ढाबा है, लेकिन ये किंग ढाबा कम रेस्टोरेंट आप इसको समझ सकते हो। और इनका ये देखिए अंदर सिस्टम, इनका बिजी किचन देख के ना आपको पता चल जाएगा कि ये ढाबा किस टाइप का होने वाला है। यहाँ के जो ऑनर हैं इनसे बात करते हैं और थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अंदर किचन में क्या चल रहा है, ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर फूड रिव्यू भी करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और बात करते हैं सर के साथ। सर सत श्रीकाल, क्या हाल चाल है सर? सर माइक लगा प्लीज़, थोड़ा दो मिनट गल करनी है। ओनी सर अलाउड है ना? हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सर डिनर करना और आपका नाम बहुत ज़्यादा सुना, थैंक यू। कहा चलिए डिनर भी करते हैं और आपके साथ अगर आप अलाउ करें तो थोड़ी सी बातचीत भी कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं सर, मैं अंदर आ जाऊँ सर? हाँ जी हाँ जी, आ सकते। चलिए राइट है सर, मैं अंदर जा रहा हूँ। और ये मेरे ख्याल में फर्स्ट फ्लोर के लिए रास्ता जाता है यहाँ पे, जहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है। चलिए सर, प्रॉपर प्रेपरेशन चल रही है? हाँ जी सर, हाँ जी, चेन्नई में ना इस समय क्राउड होता है। अच्छा 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 अच्छा, कुकिंग प्रॉपर चल रही है। और सर स्टाफ भी काफ़ी बड़ा थोड़े को? हाँ जी हाँ जी, स्टाफ के सर से ही काम होना सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये क्या बन रहा है सर इधर? पनीर भी अभी पहले से वो जो बर्तन में डाल के पतीला वगैरह में वैसा नहीं है, वो नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे जो भी बनेगा जी फ्रेश बनेगा सारा कुछ सर? सारा कुछ यहाँ सारा कुछ ऑन द स्पॉट आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है। चलिए ये और देखते हैं सर। और सर ये क्या है यहाँ? ये कढ़ाई चिकन बन रही है भाई साहब, एक बार देख लो जी। इनको जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे फैनुअल करते जाएंगे। अच्छा, ये कढ़ाई चिकन है? हाँ जी हाँ। अरे वाह क्या वाह। और सर खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा इधर क्या बन रहा है? ये फिश फ्राई हो रही सर। अच्छा ये फिश फ्राई हो रही है? हाँ जी। अरे वाह, ये सॉल फिश फ्राई कर रहे हैं, क्या बात है। और मैं देख रहा हूँ जी यहाँ पे सर टोटल 10-15 लोग हाँ जी हाँ जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो सर ने अलाउ कर दिया किचन के अंदर थोड़ा सा, तो देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ और है। प्रेपरेशन तैयार हो रही है। अच्छा ये इधर रोटियां बन रही हैं? हाँ जी हाँ। अरे क्या बात है। और ये गर्मा गर्म तंदूर लगा हुआ जी? अरे वाह। और सर ये ऑर्डर क्या ऑर्डर है ये? अच्छा ये ऑर्डर जो कस्टमर ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ जी हाँ। क्या बात है सर, क्या क्या लगा हुई है? टिक्का लगा हुआ सर। अच्छा चीज चिली है, ये चीज चिली है, पनीर बटर मसाला और ये चिली चिकन। अरे वाह, ईरानी चिकन। अरे वाह भाई साहब, फूड देख के मज़ा आना शुरू हो गया और भूख और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गई है। तो सर मेरे को थोड़ा सा बताएं टोटल वैसे कितने साल हो गए स्टाफ को? मेरे को करीब 20-25 साल हो गए, 25 साल के करीब है। 25 साल इसी लाइन में? क्या बात है। आप ही ने शुरू किया था या किसने शुरू किया था? मैंने शुरू किया है। अभी क्या मतलब आप ही हैंडल कर रहे हो या साथ में और भी हैंडल कर रहे हो? नहीं कर रहा, टोटली आप ही हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो सर खाने में क्या मतलब मैं अगर ऑर्डर लगवाना चाहूँ आज? हाँ जी हाँ जी। तो क्या बढ़िया मिल सकता है? आप हुक्म करो को क्या चीज़ चाहिए आपको बढ़िया। सर आपके यहाँ का जो बेस्ट है ना, बेस्ट आपको वेज में चाहिए नॉन वेज में चाहिए दोनों मिलेंगे सर? थोड़ा थोड़ा दोनों करवा दो, टेस्ट दोनों ले जाएंगे सर। क्या करवा तो कीमा चिकन मिलेगा आपको प्रॉपर? अच्छा कीमा चिकन, स्पेशल कीमा चिकन जो बेस्ट है वो खिलाना सर। बेस्ट आपने ऑर्डर करना है, बेस्ट हमने लगाना है। अच्छा कीमा चिकन और क्या खिलाएंगे? कीमा चिकन मिलेगा, पनीर बटर मसाला मिल जाएगा, पनीर बटर मसाला। और सर साथ में लच्छा परोठा, लच्छी परोठा, गार्लिक नान। अच्छा गार्लिक नान। हाँ जी। तो सर जैसे आप ऑर्डर करेंगे वैसे चीज मिल जाएगी। ऐसे करें सर, कुछ वेज की और कुछ नॉन वेज की जो बढ़िया, जो मतलब मैं जब खाऊं और साथ के साथ आपको पता है कि वीडियो भी बन रहा है। सर आप किसी से पूछ के या किसी को बता के आए होंगे भी हम वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल सर, तो आपको वो चीज प्रॉपर ही मिलेगी। मेरे को सर कस्टमर से स्पेशल रिकमेंडेशन आई थी, मैं तभी आया हूँ। कस्टमर ही बताएगा तो वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, तो मैं अपने मुंह से तो हर आदमी बोलेगा मेरी चीज बढ़िया है। एग्जैक्टली, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को फूड इस टाइप का मिले कि मैं भी बाकी जो रिव्यू दूँ ना वो जेन्युइन हो और बहुत बढ़िया फूड हो। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा इस बात। चलिए ठीक है सर, मैं चलूँ फिर ऊपर टेबल पर। हाँ जो देखते हैं जी, और ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और ये क्या बन रहा है सर इधर? ये बटर चिकन। अच्छा ये बटर चिकन, बटर चिकन बन रहा है भाई साहब, एक बार दिखा देना जरा। और इधर सर ये क्या बन रहा है? शाही पनीर। अच्छा ये शाही पनीर बन रहा है, मतलब प्रॉपर पूरा स्टाफ बिजी है इस वक्त। हाँ जी ये टाइम ही ऐसा ही। तो भाई साहब यहीं से पता चल जाता है कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो किस टाइप से लग रहे हैं, कस्टमर किस टाइप से यहाँ पे ना सर ज़्यादा। वैसे होम डिलीवरी है या मतलब कैसे? होम डिलीवरी भी है,
प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट भी है। हां जी हां जी, कस्टमर ऑर्डर पे टेक अवे भी है। अच्छा, और रेस्टोरेंट में भी प्रॉपर। चलिए भाई साहब, प्रॉपर कुकिंग वगैरह चल रही है, अब हम लोग चलते हैं ऊपर, टेबल के ऊपर बैठते हैं और फूड जो है एंजॉय करते हैं। अरे क्या बात है, यहाँ पे इस वक्त जो है रेस्टोरेंट तो पूरा फिल है सर, इस वक्त है पूरा फिल है। हाँ जी हाँ जी, इस टाइम क्राउड टाइम है, अंदर क्या बात, वीकेंड है। क्या बात है सर, मेरे को टेबल मिल जाएगा फिर या नहीं? हाँ जी हाँ जी, देख लो, ये टेबल इधर है फिर। हाँ जी, एक बार जल्दी जल्दी से लुक ले लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी सर। यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर जो खाना खा रहे हैं इनसे पूछते हैं, सर एक्सक्यूज मी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, तुम सुनाओ। सर पहली बार आया? नहीं नहीं, मैं इतना ही ऑर्डर करता हूँ, मतलब ऑनलाइन। हाँ जी, ऑर्डर पहली बार आया तो यहाँ पे। अच्छा, पहली बार? हाँ जी हाँ। फूड फिर कैसा लगता है? फूड बढ़िया होता है इन्हों का, फूड अच्छा होता है। हाँ जी हाँ जी, बढ़िया। सबसे बढ़िया क्या लगता है इन्हों का? तवा चिकन बढ़िया होता, तो बटर चिकन। हाँ जी हाँ जी, राइट है जी, थैंक यू सो मच। तो सर ये मॉकटेल्स वगैरह भी अवेलेबल है? हाँ जी, ना मतलब टोटली मॉकटेल है, आइसक्रीम है। अच्छा, आइसक्रीम भी है? अच्छा, क्या बात है। तो फूड डिलीवरी के लिए भी लिफ्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर, मतलब नीचे से जो फूड ऊपर आएगा, चाहे फर्स्ट फ्लोर है चाहे सेकंड फ्लोर है, प्रॉपर ताकि आपको जो टाइमली सर्विस मिल सके। और ये आ गया जी कस्टमर का फूड, क्या बात है। और कमल जी जी ने जो यहाँ के ऑनर है, जिनसे आपने आपकी बात हुई, काफ़ी कुछ ये अरेंज करवा दिया यार। वो कहते हैं कि सर सारा कुछ ही टेस्ट करो। सबसे पहले देखो ये है भाई साहब मलाई टिक्का, अरे वाह बढ़िया बना हुआ है। और ये आ गया चिकन टिक्का, अरे वाह क्या बात है, नाइस। इसको अभी टेस्ट करते हैं फिर आपको बताता हूँ कैसा है। और इधर आ गया ये तंदूरी, तंदूरी चिकन। और ये आ गया जी पनीर टिक्का। और ये आ गया इधर इनानी, बढ़िया पीसीज हैं भाई साहब सारे, अरे वाह। और इधर आ गया जी ये चिली चिकन, सर ने चिली चिकन भी साथ में बोला कि टेस्ट करो, बहुत बढ़िया होता है। और इधर आ गया जी इनका ये काली मिर्च, अरे वाह। ये आ गया जी ग्रेवी में, ज़बरदस्त भाई साहब। ये वाइट कलर में है, हल्का हल्का क्रीमी कह लो आप, और ऊपर धनिया वगैरह सारा कुछ डाल के, मतलब काफ़ी गाढ़ी बनाई हुई है ग्रेवी, और पीसीज भी लाजवाब है। और एक मज़े की बात बताऊँ आपको, ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी ये हाफ की क्वांटिटी है ये, मतलब आप आइडिया लगा लो कि फुल के अंदर क्या होएगा। ये देखिए हाफ हाफ की क्वांटिटी है ये। और ये इधर आ गया चिल्ली, चिल्ली चीज़, अरे वाह। और इधर आ गई जी दाल मखनी भाई साहब, अरे वाह। बटर वगैरह काफ़ी डाला हुआ है उसके ऊपर, और देखने में भी ज़बरदस्त लग रही है। और ये आ गया जी इनका स्पेशल कीमा चिकन, रख दो भाई साहब, थैंक यू सो मच। एक बार ये इनका ना ये स्पेशल है, स्पेशल कीमा चिकन, ये भी कमल जी जी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, तो इसको भी करेंगे टेस्ट। देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है, गाढ़ी लग रही है काफ़ी ज़्यादा ना ग्रेवी, तो मज़ा आने वाला है। सबसे पहले करते हैं जी स्नैक्स से शुरू, साथ में सैलड है ऑब्वियसली, और चपाती वगैरह आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं। मैंने एक लच्छा पराठा, और इधर है जी ये तंदूरी, नहीं ये बटर बटर है, बटर रोटी, और साथ में है जी मिस्सी रोटी। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप अपनी ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मंगवा सकते हो। और स्वीट डिश वगैरह है यहाँ पे अवेलेबल, आप बाद में स्वीट डिश वगैरह एंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो। और इसके साथ साथ आइसक्रीम वगैरह भी अवेलेबल है जी यहाँ पे। तो हम लोग करते हैं जी स्नैक्स से शुरू, आगे जी मॉकटेल भी, ऑब्वियसली इसमें भी अलग अलग ऑप्शन हैं, इसको भी आप कर सकते हो एंजॉय साथ के साथ फूड के साथ। एक सिप ले के देख लेते हैं किस टाइप की बनी हुई है, बढ़िया शुरुआत। पर मेन चीज़ के लिए आए हैं हम लोग जी डिनर के लिए, तो सबसे पहले स्नैक्स में लेते हैं इधर ये एक पीस ले लेते हैं जी मलाई टिक्के का, और एक पीस ले लेते हैं इधर तंदूरी टिक्के का, एक पीस ले लेते हैं जी इधर पनीर का, पनीर टिक्का, और ये ले लेते हैं जी इधर तंदूरी, तंदूरी चिकन का एक, और ये एक इधर ले लेते हैं जी ईरानी का। मैंने लेग पीस ही उठा लिए हैं। और इधर चिल्ली का भी एक ले लेते हैं, ये यहाँ से ना पता चलेगा अलग अलग टेस्ट बना भी हुआ है या नहीं। प्लेट देखो मेरी ज़बरदस्त लगनी शुरू हो गई है, वैसे चिली चिकन में ऑब्वियसली काफ़ी कुछ डला हुआ है साथ में, तो इसको वीडियो कवर करते करते साथ में एंजॉय करेंगे। पनीर देखते हैं, अच्छा पनीर देखने में बड़ा सॉफ्ट लग रहा है यार, पनीर की ना क्वालिटी, अरे वाह क्या बात है भाई साहब। ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि बड़ा ईजिली ब्रेक हो रहा है, बड़ा सॉफ्ट है, टेस्ट में देखते हैं कैसा। ओह वाह, ये पनीर टिक्का जरूर ट्राई करके देखना, लवली ब्यूटीफुल और डिलीशियस।
ये है जी टिक्का। अरे वाह प्रॉपरली गला हुआ यार और मैरिनेशन बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। अरे वाह यार, अरे वाह यार वाह, मलाई टिक्का ना सॉफ्ट हो तो बड़ा बहुत बढ़िया। अरे वाह यार वाह, इसका मज़ा ही अलग होता है। प्रॉपर ऊपर क्रीम वगैरह डली हुई है ऑब्वियसली, और अंदर से देखो जी ये देखो भाई साहब, बड़ा सा पीस लेते हैं। अरे वाह यार मज़ा आ गया यार सच में। तो भाई साहब अब करते हैं चिल्ली चिकन को टेस्ट। अरे वाह, इनका जो शेफ है ना वो भी 25 साल पुराना है, मतलब जितने साल ढाबे को हो गए उतने साल ही। वैसे तो सरदार जी आप भी करते हैं कुकिंग, बट ये सच में कह रहा हूँ टेस्ट करके ना आपको यहाँ पे फील आएगी कि आप एक बहुत बढ़िया फूड खा रहे हो। अब ये करते हैं टेस्ट तंदूरी का। तंदूरी ना मेरे को अच्छा लगता है अगर थोड़ा थोड़ा ना ऊपर इसको सॉफ्ट करने के लिए ना ऊपर थोड़ा सा अगर बटर वगैरह लगाया हो ना तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है। गुड, तो इसको खाते हैं आराम से। पहले आपको टेस्ट करके बता दूं, जल्दी जल्दी से बताऊंगा सारा कुछ। और अभी मैंने पीस लिया ईरानी का। अरे वाह, फैंटास्टिक। तो मैंने प्लेट कर लिया चेंज, थोड़ा सा लेते हैं अब चिल्ली पनीर, इसको करते हैं टेस्ट। जो जो भी स्नैक्स मैंने टेस्ट किया ना ऑब्वियसली सारे ही कर लिए, स्नैक्स में तो पूरे नंबर है यार मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसके ऊपर, ये आ गया काली मिर्च चिकन। अब एक दूसरा पीस भी साथ में लेते हैं, अब थोड़ा सा गैप रखते हैं ताकि ना मिक्स ना हो ये टेस्ट इसका मिक्स ना हो। ग्रेवी साथ में ले रहा हूँ, बढ़िया बनी हुई है बहुत ज़्यादा। ये इनका जो स्पेशल कीमा चिकन है ना ये भी, ये ट्राई करना ज़रूरी है यार। अरे वाह, इसमें ना स्पेशली कीमा डला हुआ है तो उसके साथ कह रहे हैं कि जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और अब लेते हैं साथ में थोड़ी सी दाल, क्योंकि दाल मखनी जो है ना वो भी ज़रूरी है। आपको वैसे मैंने दिखा ही दिया, एक बार थोड़ा सा इसको भी अच्छे से देख लो, दाल मखनी जो है ना उसका बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे से बटर डाल के ना, अच्छे से क्रीम वगैरह डाल के, और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब देखने में अच्छी है। ये ले लीजिए हमने थोड़ी सी दाल, और एक ले लेते हैं जी साथ में लच्छा पराठा, बढ़िया बना हुआ है। अरे क्या बात, लच्छा पराठा इसकी लेते हैं बाइट। और ये करते हैं जी सबसे पहले कीमा चिकन, इसकी ग्रेवी करते हैं जी लच्छा पराठा के साथ। अरे वाह, जैसे प्रॉपर कीमा का टेस्ट आता है ना, और अल्टीमेट टेस्ट में आपको बोलूँगा वो आपके टंग के ऊपर आ रहा है। ओह हे वाह, इसके पीस को भी एक बार टेस्ट करते हैं। अरे ये जो कॉम्बिनेशन बनाया ना इन्होंने कीमा और चिकन का, ये सच में अल्टीमेट है यार, और मेरे ख्याल में बहुत रेयर जगह पे मिलता है ये, बहुत बढ़िया। तो आज अब करते हैं काली मिर्च, इसका टेस्ट देखते हैं। भाई साहब अल्टीमेट टेस्ट। अब आपको हो गया यार सारा कुछ अल्टीमेट कही जा रहा है, पर मैं सच में बोलूं कि वाकई में यार अल्टीमेट है, पता लग रहा है वाकई। अरे वाह, चलो दाल को टेस्ट करते हैं। वाह, तो दाल मखनी जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, ये भी ऑब्वियसली ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इनफैक्ट सारे का सारा फूड ही ना कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आके इनको कुछ नहीं बोलते हो ना स्पाइसेस के बारे में, तो आपको जो स्पाइसेस मिल रहे हैं मेरे ख्याल में वो बहुत बढ़िया है यार, मुझे ऐसे पसंद है। लेकिन हाँ, अगर आप स्पाइसेस कम रखना चाहते हो या ज़्यादा रखना चाहते हो तो वो अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले से बोल दो, उसके अकॉर्डिंगली जो है स्पाइसेस डल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, दाल भी बहुत बढ़िया। अब लास्ट करते हैं जी फिनिश, एक लच्छा परांठा के साथ दाल की बाइट ले लेते हैं। दाल बहुत बढ़िया बनी हुई है। चिली चीज़,
तो मैं क्लियर कट कह सकता हूँ कि सर नॉन वेज ही नहीं, वेज के अंदर भी फूड बहुत बढ़िया है, नॉन वेज तो था ही बढ़िया यार। और हाँ, मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ का जो है वो मेंशन कर दूंगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जाके जो है पूरे का पूरा मेन्यू स्टडी कर सकते हो। रेट बड़े रीज़नेबल हैं नॉर्मली, जो मेरा आइडिया है अगर आप यहाँ पे आते हो कुछ लोग 3-4-5 लोग जैसे भी आते हो फैमिली के, तो पर हेड 300 से 400 के अंदर अंदर आप बहुत बढ़िया खाना खा सकते हो। ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, जलंधर वाले लोगों को स्पेशली ज़रूर शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए बहुत बढ़िया फूड प्लेस के ऊपर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, बाय।